गेमिंग केसेस की बात की जाए तो NZXT के नाम के बगैर ये लिस्ट अनकम्प्लीट है। तो आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू NZXT H510 और इसका रिव्यू करूँगा। अभी मैं इसमें पीसी बिल्ड करूँगा, अपने अंदर पीसी बिल्ड करूँगा। दिस इज़ नॉट द इलाइट वर्जन ऑफ दिस केस। H510 इलाइट वर्जन भी आता है, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसके फ्रंट पे आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलता है, पर इसके फ्रंट पे टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ये नॉर्मल वर्जन है H510 का। तो अब इसके अंदर पीसी बिल्ड करते हैं और उसके बाद मैं मिलता हूँ, लेट्स गो। बिल्ड कंप्लीट हो गया और अब हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस केस के ऊपर वाली साइड पे आपको एक USB पोर्ट 3.0, एक 3 USB टाइप सी। अगर आपने इसमें लिक्विड कूलर फिट करना है तो ऊपर वाली साइड पे फिट नहीं हो सकता, तो उसको फिट करने के लिए आपने इसके जो फ्रंट पे एक ट्रे आपको मिलेगी जिस पे आप 240mm का भी और 120mm का भी लिक्विड कूलर फिक्स कर सकते हैं। मैंने एक 120mm का लिक्विड कूलर फिक्स किया है इसके ऊपर, जो आसानी से हो गया। आपको ट्रे उतारनी है उसके ऊपर, स्क्रू जिस तरह के PSU ट्रे मिलती है आजकल, तो उस पे आपने ट्रे पे स्क्रू इसके टाइट करने हैं और इसको अंदर लगा दें। इसके साथ दो फैंस मिलते हैं प्री इंस्टॉल्ड, लेकिन नॉन RGB NZXT के अपने फैंस मिलेंगे, एक अप साइड पर और एक इसके बैक पे आपको एक फ़ैन मिलेगा।
NZXT का बॉक्स मिलेगा इस केस के अंदर आपको, जिसके अंदर इसके मदरबोर्ड के स्क्रूज होंगे, SSD के स्क्रूज होंगे, हार्ड ड्राइव के स्क्रूज होंगे और कुछ जिप टाइज भी होंगे साथ साथ। आपको एक F पैनल की केबल मिलेगी, लाइक अगर आपका मदरबोर्ड उस तरह की सपोर्ट कर सकता है तो डायरेक्ट आप F पैनल से इसको स्टार्टअप बटन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई RGB स्ट्रिप इंक्लूड नहीं है, हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इसके लीट वर्जन के अंदर एक RGB स्ट्रिप आपको ऊपर वाली साइड पर मिल जाएगी। NZXT के लोगों के साथ जो व्हाइट कलर की जो आप ट्रे मिल रही है, ये आम तरह ये आपकी तमाम केबल्स को आराम से हाइड कर लेती है, लाइक PSU केबल्स हैं या फिर SATA केबल्स हैं जो वो इजीली हाइड कर सकती है। केबल मैनेजमेंट इस केस में बहुत आसान है क्योंकि आपको तमाम इसमें रॉज मिलती हैं, साथ आपको इसमें मैजिक स्ट्रिप्स मिलती हैं, इजीली आपको साथ इस केस के साथ आपको जिप टाइट्स मिलती हैं। एट दी एंड मैं ये कहूँगा कि NZXT इस केस के अंदर इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी कुछ डाल सकती है, लाइक USB पोर्ट डाल सकती हैं, RGB फैंस डाल सकते हैं फ्रंट, दिस केस इज़ वेरी डिसेंट फॉर गेमिंग और टेम्परेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मेरा रिव्यू एंड होता है, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और किसी और चीज़ का अगर आपने रिव्यू कराना है तो वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेटेलिक है, यानी अगर आपका स्विच थोड़ा कमज़ोर लगा हो यानी फुल टाइट नहीं लगा तो आपको करंट बहुत ज़्यादा लगना है।